और अब बात उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों में मची खलबली की। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन के बाद मटन चिकन के कारोबार पर भी असर पड़ा है। आज मीट कारोबारियों ने हड़ताल रखी है, जिसका असर मटन चिकन की दुकानों पर साफ देखा जा रहा है। बकरा मंडी में सन्नाटा पसरा है, टुंडे कबाबी पर ताला लगा है, बिरयानी की दुकान का शटर डाउन है, तो कहीं नॉन वेज कबाब ही वेज में बदल गया है। यूपी में सीएम आदित्यनाथ के हुक्म पर अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? यूपी में मीट का धंधा ही चौपट हो गया। मीट की सप्लाई नहीं हुई तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर ताला पड़ गया। इसी के खिलाफ अब नॉनवेज वालों ने हड़ताल रख दी। लखनऊ के अमीनाबाद का मशहूर टुंडे कबाब का रेस्टोरेंट है जो कि अब बंद हो गया है। स्ट्राइक की वजह से मटन सप्लाई नहीं हो रही है, बीफ सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अरेबिया होटल है, वो बंद है। वजह यही है कि मटन की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक सामने वाहिद बिरयानी शॉप है, ये रेस्टोरेंट है जहां पर पहले मटन के कबाब बनते थे, लेकिन अब यहां पर मटन के कबाब नहीं बल्कि दाल के कबाब बनाए जा रहे हैं, यानी नॉनवेज कबाब अब वेज में तब्दील हो गया है। हड़ताल का ऐसा असर हुआ कि राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर सन्नाटा पसरा है, वरना ये इलाका रोजाना गुलजार रहता था। उत्तर प्रदेश में मीट बंदी का सीधा असर इसके व्यापार पर देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके के सबसे बड़े बकरा मंडी में, और इस बकरा मंडी में आप यहां के विजुअल्स देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इस समय किस तरह की बंदी चल रही है। और यहां भी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अब की बार कितने डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए यूपी में अखिलेश की फेयरवेल पार्टी।